बीते 1 जून को देर शाम पटना के मसौढ़ी में चुनाव समापन के बाद क्षेत्र भ्रमण से लौट रहे पाटलिपुत्र लोकसभा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के गाड़ी के सामने आकर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की, वहीं उनके समर्थकों के साथ मारपीट किया। जहां पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने मसौढ़ी थाने में FIR दर्ज कराई थी, वहीं पटना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव ने पटना भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुने। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। भी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, SIT का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार के तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को संसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है, इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो। और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, PMCH में भर्ती हैं, और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी, इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। जानलेवा हमला किया गया, मेरी कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरी कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न, मैं सड़क पर घूम रहा था, कोई गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6:30 बजे में मुझे जानकारी मिल रही थी दोपहर से ही, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी तिनेरी मसौढ़ी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता है। कोई भी MLA, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है, मगर अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर, मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोमी नया फोर लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा किन्नरी गांव से निकलते के साथ, मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी 1 गाड़ी थी। मैं 1 गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिला, मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं, ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में अहित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा और सपनों में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेर होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं, सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है,
ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला तिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया, उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला, मैं निकला, तीन फायर, धाए धाए गोली की आवाज, में तो अस्तक रह गया, अरे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और तीन चार और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए गांव में ले जाने के लिए जा रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हुआ मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ठेला तक नहीं किसी ने फेंका, एक ठेला तक नहीं फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया, तो गोली से मारा था, मैं उसी में से एक आदमी ने उसकी जान बचा, की सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल देवमंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस घुस कर उसके घर में मारा, सदनंद कुशवाहा के घर में, कल तीन जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री आज का आदमी जो मारा गया, महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया, कल भी कैसे वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुस कर मारा गया, तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने दर्जी को कह दिया था, केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम, मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था, अहिंसा लोकतंत्र में किसी ने किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, ये क्या हो रहा है, और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है, यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते, हिंसा हमारे नियत में नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर ये नहीं है, मार पीट गोली बारूद ये हमारे संस्कार में नहीं है।